Panda. I got broads in Atlanta. Just to the lean the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the band. Legacies. तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, और सबसे पहले हमको पिक्सआर्ट ओपन कर लेना है, और ये हमारे पास मोड वर्जन डाउनलोड है, आप इसे क्रोम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमको अकाउंट नहीं बनाना है, सिंपली इसमें आना है हमको, फिर उसके बाद अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, इस फ़ोटो को एडिट करना है, और ये हम अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, कटआउट वाले ऑप्शन पर जाना है, कटआउट वाले ऑप्शन पे सेलेक्टिव होगा, उसमें हम पर्सन को क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटो सिंपली कटआउट हो जाएगा। इसके बाद हमको चेक कर लेना है कि हमारी फ़ोटो परफेक्ट है कि नहीं। परफेक्ट है, अभी हमने चेक किया, सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद हम फिर से इफ़ेक्ट पे जाएंगे, इफ़ेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके हमको मैजिक क्लिक करना है, मैजिक वाले ऑप्शन पे आना है, इसमें हमको फ्लोरा मिल जाएगा, सिंपली देखने को मिल जाएगा। इसमें हम क्लिक करते हैं तो फेड मिलेगा, फेड को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमको फिर से इरेज कर देना है, इरेज करने के लिए हमको सबसे पहले फेस पे क्लिक करना है, फेस पे सिंपली वो कर देगा। इसके बाद हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा फिर से इरेज कर लेते हैं, सिंपली हम इरेज कर ले रहे हैं। और ये फाइनली इरेज हो गई है, और हम इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ, और ये इरेज हो चुकी है, इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको बैक कर लेंगे, सेव टू ड्राफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, और फाइनली हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिए, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये फाइनली थोड़ा सा क्रॉप हो गया। अब हमको अपना पिक्स ऐड करना है, तो ये हमारी फ़ोटो ऐड हो गई, इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से हम। अब हम इसको देखेंगे एडजस्ट करने के बाद, अपने फेस पे थोड़ा सा जूम करके अब हम देखेंगे तो थोड़ा सा बचा हुआ है इरेज करने लायक, इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, जल्दी जल्दी इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। और फाइनली हम इसको इरेज कर ले रहे हैं, ये इरेज हो चुका है हमारा, इरेज हो गया। अब इसको हम क्रॉप कर लेंगे, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं, अभी एडजस्ट सही नहीं लग रहा हमको, फिर से हम क्रॉप पे ऑप्शन पे जाएंगे और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इसको, और ये फिट हो गया अभी। इसके बाद हमको फिर से फ़ोटो ऐड करना है, इसमें मास्क ऐड करना है, यह मास्क का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हमको इसमें ब्लेंड ऑप्शन का क्लिक करना है, इसके बाद हमको ड्रैगन में ले जाके, ड्रैगन में हमको ले जाके इसको क्लिक करना है, ड्रैगन से एडजस्ट कर लेना है अपने फेस पे, ये एडजस्ट हो गया। इसको हम इरेज कर लेंगे जी, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, इरेज फाइनली इरेज हो रही है, इसको इरेज कर लेते हैं पूरा, इरेज हो गया ये, और ये इरेज हो गया। यस, थोड़ा सा बचा हुआ है अभी, अपनी उंगली को हम फिर से इरेज कर लेंगे, इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं। ये हो गया, अभी परफेक्ट लग रहा, हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से हमको फ़ोटो ऐड करना है और हेयर सेलेक्ट कर लेना है, इस हेयर्स की भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा,
जैसे मैंने डाउनलोड किया, इसको एडजस्ट कर लेना है। अब हमको इफेक्ट पे जाके क्लिक करना है, इसी में फिर से वही मैजिक पे फ्लोरा के फेड थोड़ा सा बढ़ाना है फिर से, और सेव कर लेना है इसको। हमारे ये भी देखो पूरा वाइट परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर से 2 मिनट। यहाँ पे हमको थोड़ा सा फेस और ऑफसिटी साइज को थोड़ा छोटा करके ऑफसिटी कम करना है, इसको थोड़ा सा परफेक्ट बना लेना है। और ये अभी हमको फिट लग रहा है, सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद हमको फिर से इसमें इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट पे हमको कलर्स पे जाएंगे, कलर्स पे एक ऑप्शन मिलेगा, हम थर्ड वे उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमको उसको 208 करना है और सेव कर लेना है। इसके बाद हमको ड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट कर ले रहे हैं हम। इसके बाद हमको एक लेयर बनाना पड़ेगा, तो हम एक लेयर ऐड कर ले रहे हैं, एम्प्टी लेयर। और अब हमको कलर तो पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम। अब अपने आइज पे थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। और ये फाइनली दोनों आइज इरेज हो चुकी है, इरेज हो गई है। इस पर हमको थोड़ा सा और लाइटनेस लाना है, तो फिर से क्लिक करेंगे, फिर ब्रश पे क्लिक करके इसकी साइज़ थोड़ा सा कम कर लेना है, ऑफसिटी भी थोड़ा सा कम कर लेना है। सेट करने के बाद फिर से सेट कर लेना है थोड़ा सा इसके साइड हम फिर से इसमें वो कर लेंगे, इरेज कर लेंगे ताकि परफेक्ट लगे। इरेज कर लेते हैं और इसको अच्छे से इरेज कर ले रहे हैं हम 2 मिनट। और फाइनली ये इरेज हो गई है। अब हमको शेप्स पे जाना है, एक राउंड शेप बनाना है सर के ऊपर, एंजल टाइप का, और हम बना ले रहे हैं इसको, हम सेट कर लेते हैं। और ये परफेक्ट लग रही है, ये परफेक्ट है। इसमें थोड़ा सा हम कलर ला ले आएंगे, अपने सिर पे थोड़ा सा कलर कर ले रहे हैं हम हेयर्स पे, सेम टू सेम कलर, थोड़ा कलर डिफरेंट लग रहा है, कलर चूज़ कर ले रहे हैं हम भाई। जी हम कलर चूज़ कर लिए, इसके बाद हमको थोड़ा सा इसका ओपेसिटी थोड़ा ज़्यादा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा। अब हमको इसको इरेज कर ले रहे हैं, और ये इरेज हो चुकी है, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इरेज हो चुकी है। इसके बाद हमको फिर से इस पर क्लिक करना है, एरो सेलेक्ट कर लेना है, ये फिट नहीं लग रहा अभी हमको, फिर से बनाते हैं, साइज थोड़ा कम कर लेंगे ये। यस अभी परफेक्ट है। हम इसको थोड़ा सा लाइटनेस ले आएंगे, तो कलर सेलेक्ट करके ब्रश पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसके हेड साइड, ये इसको हम सेव कर लेंगे। और फाइनली हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अमेजिंग लग रही है। तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब भी।